हेलो एवरीवन, मैं रुखसाना सैफ़ी सैफ़ीज़ किचन में आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज मैं अपनी सैफ़ीज़ किचन में बनाने वाली हूँ फ़िश के पकोड़े, जो खाने में बेहद लाजवाब हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी हाउ टू मेक इट। तो यहाँ मैंने हाफ के जी फ़िश अच्छे से धोकर इस बास्केट में रख दी हैं, जिससे इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये कढ़ाई फ़िश है, आई डोंट नो कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इस फिश को हमने फ़िश वाले से ऐसे कटवाया है कि इसमें एक भी कांटा नहीं है, मतलब दोनों साइड से कटवा कर बीच का कांटे का हिस्सा रिमूव कर दिया गया है। आप चाहे तो विद कांटे भी बना सकते हैं, खाते वक्त उन्हें निकाल दें, ठीक है, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो गाइस, फ़िश खाना हर किसी के लिए मस्ट है, वो इसलिए कि ये एक अल्टीमेट खुराक है। ये हमारी स्किन को खूबसूरत बनाती है, हमारी आँखों की रोशनी को दुरुस्त करती है, दिल की सेहत के लिए मुफीद है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है वो इनको खाएं या सूप बना कर दें। गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 प्रोटीन फैटी एसिड है, तो ये दिल की धमनियों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल, और बाउल में मैं डालूँगी ये मसाले। तो यहाँ मसाले हम देख लेते हैं, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और यहाँ ये मेरी घर की कुटी हुई मिर्चें हैं मोटी, तो मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून ही ली हैं। अगर आप बाज़ार की डाल रहे हैं तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, या आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसकी जगह। और ये मैंने लिया है धनिया, ये भी मेरा मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर है घर का, तो ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, यानी कि 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। और ये 2 पिंच मैंने यहाँ फूड कलर लिया है, रेस्टोरेंट स्टाइल कलर देने के लिए। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। और ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, ये हमारे फ़िश को एकदम क्रिस्पी बना देगा। आप इसकी जगह सेमोलिना भी ले सकते हैं, यानी कि सूजी। और ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून बेसन, तो बेसन यहाँ थोड़ा ही लेना है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सा घोल बनाना है। बस हम बेसन इसलिए ले रहे हैं कि इसके ज़रिए से हमारे मसाले अच्छे से चिपक जाएँ फ़िश पर, एक लेयर बन जाए, बस इसलिए। तो अब हम इस बाउल में ये डाल देते हैं सारे मसाले, और अब हम इसमें ये 1/2 नींबू इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। अगर आपका छोटा नींबू है तो आप पूरा निचोड़ दें, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आप चाहे तो ये हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखे हैं, ये भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जगह पर डालूँगी ये हरी चटनी, जो इसमें हरी मिर्च भी पिसी हुई हैं और हरा धनिया भी, तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें मिक्स हो गई, तो मैं ये चटनी डालना पसंद करती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड कर दूँगी, जिससे कि एक स्मूथ पेस्ट इसका थिक पेस्ट बनकर तैयार हो। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। ये देखिए, लेकिन मेरा दही से ही ठीक हो गया। अगर आपका दही से ठीक होने में नहीं आए तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच या 1/2 चम्मच। और अब मैं इसमें ये फिश पीसेज मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको अब हम 1/2 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 1/2 घंटे में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 घंटे के लिए इसे पड़ा छोड़ दें, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब चाहें तब निकाल कर इसको फ्राई करें। तो आप इसे पॉलीथीन से भी रैप कर सकते हैं, या प्लेट से भी ढक कर रख सकते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने तेल को चढ़ा दिया है पैन में, तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को आप अच्छे से गरम कर लें पहले, और तब उसमें फ्राई करना शुरू करें, क्योंकि इसमें एक तीखापन होता है और जो हमारे खाने के टेस्ट को बिगाड़ देता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी फ़िश जो है मैरिनेट हो चुकी हैं अच्छे से। तो मैं इसमें अजवाइन डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें अजवाइन 1/2 टीस्पून और ऐड की है, और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। मैं भूल गई, लेकिन आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कोई भी फ्राई चीज़ आप खाते हैं तो वो अजवाइन ज़रूर से ऐड करें, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और गैस ना बनाए। तो यहाँ ऑयल भी हमारा अब गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये 1/1 पीस ऐड करते जाएंगे।
तो पीस डालते वक्त आप ऑयल का ख़ास ख्याल रखें। ऑयल का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम हाई पर ही आप इसको फ्राई करें, और इसको मीडियम पे भी नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको धीमी धीमी आग पर सेकने की। मीडियम टू हाई पर ही इनको फ्राई करें, और इनको डालने के बाद जल्दी से चलाना नहीं है इनको, स्पैचुला से थोड़ी देर रुक कर तब इनको आप फ्लिप करें। तो गाइस, जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही हैं तब तक हम फ़िश की और तारीफ़ें कर लेते हैं। कई बार देखा गया है कि बड़े बुज़ुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं क्योंकि उनके दिमाग के सेल जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, डेड हो जाते हैं। तो उनके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें फैटी एसिड पाया जाता है जो ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखता है और डिप्रेशन से भी बचाता है। तो गाइस, बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सभी के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है, याददाश्त को तेज़ करता है, इसीलिए इसको अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और वज़न घटा रहे हैं वो लोग अपनी डाइट में मछली को शामिल करें, इसका सूप बनाकर पिएं, तो उनका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा, वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली के फ़ायदे गिनाते गिनाते हमारी फ़िश फ्राई भी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, डिलीशियस हमारी फ़िश फ्राई रेडी है। देखिए कितनी लाजवाब हमारी फ़िश फ्राई हुई हैं, यानी कि फ़िश के पकौड़े। तो मैं बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़िश फ्राई यानी कि फ़िश के पकौड़े बनकर रेडी हैं। तो आई एम श्योर आपके मुंह में देखकर ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी जाइए अपनी किचन में और बनाइए, और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर से चाट मसाला छिड़क कर और प्याज की स्लाइस के साथ, नींबू के साथ, और किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ, और हाँ, सर्दियों की हल्की हल्की बारिश के साथ, चाय के साथ आप इन पकौड़ों को एंजॉय करें, जिससे कि आपकी बॉडी को भी ये गर्माहट दें। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सप्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।